नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों को हम इस वीडियो में इस पंप के द्वारा एक पंखा कैसे तैयार किया जाता है उसका पूरा डेमो, पूरा वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ से तो परिचित होंगे ही, ये है वाटर पंप। जी हाँ, ये है वाटर पंप जो गर्मियों में अधिकांश कूलर में टंकी से पानी फ्लो करने के लिए लगाया जाता है। आप लोग सिर्फ अभी तक इस पंप का एक ही प्रयोग जानते हैं कि इसको कूलर में लगाया जाता है और इससे पानी ऊपर खींचा जाता है, लेकिन आज हम एक नई रिसर्च के साथ, नए प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को इसके द्वारा एक छोटा एसी पंखा कैसे तैयार किया जाता है, और वह पंखा बहुत ही हाई स्पीड में चलने वाला पंखा है, मैं पूरा डिटेल देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस पंप को तोड़कर इसका अंदर का आर्मेचर निकाला जाता है। ये देखिए, इस पंखे के साथ ये जो छोटे छोटे पर लगे हुए हैं, ये पानी को यहाँ से, यानी कि इस जाली से, इस जाली के सपोर्ट से यहाँ से खींचते हैं और स्पीड के साथ ऊपर फ्लो करते हैं यहाँ, जिसमें एक रबड़ लगाई जाती है। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। ये मैग्नेट का गोल बेलनाकार, ये देखिए मैग्नेट का गोल बेलनाकार एक रोटर होता है जो इस ग्रेविटी में अंदर ये डला रहता है। ये देखिए, ये खींचता भी है। ये देखिए, क्योंकि इसमें जो कॉइल रहती है वह नरम लोहे की पत्तियों पर बहुत ही पतले वायर से भरी जाती है। यह मैग्नेट जैसी इस खांचे में अंदर जाएगा तो वह जो लोहे की, नरम लोहे की जो पत्तियां हैं, स्टैम्पिंग बोलते हैं हम लोग उसको, वो अपनी ओर खींच लेगी। ठीक है, और इस लीड में एसी करंट दिया जाता है, सभी लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये पूरा सील्ड रहता है, वाटरप्रूफ। ठीक है, किसी विशेष केमिकल के साथ या विशेष पेस्ट के साथ इसको पूरा बंद किया जाता है, जिससे जो अंदर वायर है, जो कॉइल बनी हुई, उसमें पानी ना जाए। देखिए, ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएं कि इसका पंखा कैसे तैयार किया जाता है। इस पंप को बहुत ही सावधानी पूर्व इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जो अंदर का ये जो चापड़ लगा हुआ है, ये पूरा सेप निकल आता है और सेप निकल आए। देखिए, बड़े आराम से ये अंदर का आर्मेचर प्लस, जिसमें ये आर्मेचर भरा हुआ था, जो लोहे का स्टेटस होता है, वो स्टेटा पूरा आराम से निकल आता है और इस प्रकार को तोड़ के बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये वही चीज़ है। ये देखिए गौर से, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसमें लीड लगी हुई है, ये वही चीज़ है। जब इसको तोड़ा जाता है तो ये ऐसे निकल आता पूरा बिल्कुल साफ। इसके ऊपर ये रोटर है जो देख रहे हैं, ये रोटर के साथ इसमें मैग्नेट चलती है। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसा पूरा फ्रेश निकल आता है। जब ये फ्रेश निकल आए
तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी ख़राब मोटर पड़ी हो इसके पीछे का आपको बैक कवर लेना है। ये देखिए एक बैक कवर ये लगा हुआ है इस मोटर का, दूसरी मोटर का बैक कवर ये लगा हुआ है। बैक कवर दोनों साइड रॉड में लगाकर इसकी जो मैग्नेट होती है ये बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सेंटर में ऐसे करने के बाद इसमें फेविकोक भर दो, इधर भी फेविकोक भर दो दोनों साइड में, ये बिल्कुल जाम हो जाएगी। ठीक है, जब ये जाम हो जाए तो मोटर के जो बैक साइड का कवर है वो देखिए इस प्रकार आपका सेट हो जाएगा। ये देखिए ठीक ऐसे हमने सेट किया इसमें, ये देखिए ठीक है पूरा ये सेट हो जाता है। सेट होने के बाद में ये मैग्नेट जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये पूरी ओपन रहती है। ठीक है, इसके बाद में हम ये मेन लीड को जैसे ही हम एसी प्लग में लगाएंगे तो ये रन करने लगी। ये देखिए ठीक इसी प्रकार जब हम किसी भी पंप को एसी प्लग में लगाते हैं तो इसके अंदर ये जो बेलन कार मैग्नेट इसी प्रकार ये घूमती है, जैसे ये घूम रही है देखिए गौर से। देखा आप लोगों ने, ये देखिए ठीक है ये इसी प्रकार ये घूमती है। अब रीजन क्या है कि इसमें ये पंप लगा रहता है, ठीक है जब हम इस प्रकार इसको सेट कर लेते हैं सेंटर में इस राड के साथ तो इस पंप को हम आरी के ब्लेड के साथ इसको काट के निकाल देते हैं बाहर, इसको अलग कर देते हैं, सिर्फ ये मैग्नेट अकेली रहती है। ये देखिए इसमें हमने काट के निकाल दिया, ये देखिए खाली मैग्नेट रहती है और मैग्नेट के साथ अटैच में ये रॉड रहती है और इसका बैलेंस बुश के टाइम में ये वर्क कर रहे हैं दोनों साइड के पल्ले बैटरी इसके मोटर के जो पल्ले हैं ये बुश की तरह बैरिंग की तरह कार्य कर रहे हैं इस मोटर के पीछे के जो पल्ले हैं, क्योंकि इसमें एक बुश लगा रहता है, इसका बुश निकाल के हमने ये डाल दिया अंदर ये डरे हुए इसको बैलेंस करने के लिए कि ये जो साफ्ट है हमारी जो मैग्नेट इधर उधर ज़्यादा ना खिसके, एक ये डाल दिया इधर और दूसरी मोटर का ये देखिए पीछे का जो बुश है पीतल का ये हमने इधर डाल दिया। ठीक है, अब आगे के जो ढक्कन है एक इसका ये दोनों ढक्कन ये खराब मोटर हैं, एक इधर लगा दिया हमने और एक इधर लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो पाता जिसमें हम किसी वायर को पर को लगा दें, यानी ये पर हमारा वायर लग जाए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती कि इसको ये पर हम लगा सकें। इस कारणवश हमें ये रॉड को इतना फ्लो करना पड़ा जिससे हम ये आराम से पर को लगा सकें। ये देखिए लग गया। अब करना क्या है आप लोगों को, इतना करने के बाद में ये जो मिनी फैन हमने वाटर पंप से बनाया है इसके आरपीएम बहुत ही हाई होते हैं। अब हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए ये शाफ्ट घूमने रही, ये घूम रही बहुत स्पीड से शाफ्ट घूम रही है। देखिए अब ये फैन है, ये देखिए इतनी हाई स्पीड में ये फैन घूम रहा है कि मैं कहता हूँ कोई भी फैन नहीं लगेगा आपका कि जो इतनी हाई मिनी फैन इतनी हाई स्पीड में घूम रहा है।
गर्मियों के दिनों में आप किसी भी छोटी दुकान में, छोटे कमरे में इस प्रकाश को सेट कर सकते हैं और पूरा गर्मी के सीज़न में हवा का आनंद ले सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पंप के द्वारा आज हम आपको इस वीडियो में नई डिवाइस की जानकारी दे रहे हैं और ये नई डिवाइस वाटर पंप के द्वारा नए फैन यानी नए मिनी एसी फैन में कन्वर्ट हो गई है। ये देखिए आप, हाई स्पीड में चलने वाला एसी फैन, आप थोड़ी सी प्रोसेस है और उसको आराम से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए हाई स्पीड में घूम रही, देखिए आप लोग पंप के द्वारा बना हुआ मिनी एसी फैन कितनी हाई स्पीड में घूम रहा है। ये देखिए आप, अब आप लोग बताइए वाटर पंप के द्वारा हम एक मिनी एसी फैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक मिनी एसी फैन का भी आविष्कार कर सकते हैं। देखिए कितनी हाई स्पीड में फैन घूम रहा है। ये देखिए, तो आप पूरी वीडियो को देखने के बाद मैं भरोसा दे रहा हूं, आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, जिस प्रकार हमने पंप से एक मिनी एसी फैन का आविष्कार किया है, आप भी अपने हाथ से किसी भी वाटर पंप से मिनी एसी फैन का आविष्कार कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी इसमें कितनी बेधड़क क्वालिटी है, कितनी तेज हवा है। ये देखिए, ये छोटी जगह में भी लग जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं प्रयोग में लाएगा। ये है पंप के द्वारा बना हुआ मिनी एसी फैन। हम आपको इसी प्रकार नए नए आविष्कार बताते रहेंगे, बनवाते रहेंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट, नमस्कार।